लोकसभा चुनाव को लेकर अब निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया, मगर निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव में गाड़ियां लगने के काम को लेकर टैक्सी चालकों ने विरोध दर्ज किया। चालकों का कहना है कि चुनाव के समय हर बार उनके टैक्सी नंबर वाली गाड़ियों को ही लगाया जाता है, मगर इस बार किसी व्यक्ति विशेष को गाड़ी का फॉर्म देकर मनमानी की जा रही है। और पहले हमेशा चुनाव में टैक्सी गाड़ियों को ही लगाया जाता था, मगर इस बार प्राइवेट नंबर वाली गाड़ियों को लगाया गया। हालांकि मीडिया के पहुंचने के बाद अधिकारियों ने टैक्सी चालकों को भी गाड़ी लगाने के लिए फॉर्म भी दे दिए। नहीं, वो प्राइवेट गाड़ियां जो डायरेक्ट लगा ली गई थी चुनाव ड्यूटी में, उसके लिए हमने आरटीओ साहब को कहा था कि साहब ये प्राइवेट गाड़ियां जो टैक्स की चोरी करती है उनको लगा लिया है, तो ये गलत है, आप टैक्सी गाड़ियां लगाएं। हमारी यूनियन की अजमेर शहर में काफ़ी गाड़ी वाले जो इसी उसको लेने के लिए कि भाई चुनाव में हमारी टैक्सी गाड़ियां लगे। तो हर साल चुनाव में आपकी गाड़ियां लगती थी? हर साल चुनाव में टैक्सी गाड़ियां ही लगती थी। और अब की बार क्यों नहीं लग रही, कारण क्या था? इस बार किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा फार्म लेके और वो प्राइवेट गाड़ी को दे दी गई, तो वो इस तरह से कर की चोरी भी है और किसी पर्सनल एक को फ़ायदा पहुँचाने की थी, तो हमने फिर आरटीओ साहब से बात करी। तो आरटीओ साहब, कितनी गाड़ी लगती थी आपकी चुनाव में? चुनाव में लगभग 100 गाड़ियाँ लगती थी, 100-150 गाड़ियाँ लगती है, जिसमें टैक्सी गाड़ियाँ ही लगती थी। पर इस बार प्रशासनिक अधिकारियों में किसी से मिली भगत समझिए कुछ भी, किसी एक को दे दी, फॉर्म दे दिए गए, लेकिन हमने फिर प्रशासन आरटीओ साहब को बुलवाया, मैं साहब ये गलत है, तो आरटीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि प्राइवेट गाड़ी हटा दी जाएगी और टैक्सी गाड़ी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।